स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड को अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने का सबसे आसान तरीका। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही आपने अपना गूगल सर्च इंजन ओपन करना है। गूगल सर्च इंजन में आपने यहाँ पे टाइप करना है सारथी परिवहन। जैसे ही आप सारथी परिवहन यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद आपने कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके सामने कुछ सर्च रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सारथी का, उसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारथी का जो होम पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम वेयर द सर्विस इज टू बी टेकन। जहाँ आपने अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे करते हैं क्लिक। और मेरा स्टेट है चंडीगढ़, तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ सेलेक्ट करता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चंडीगढ़ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये यूजर इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहीं से आप अपने आधार कार्ड को अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा आपको। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन पे जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लिखा हुआ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे काउंट करके बता देता हूँ किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5th, 5th नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं अपना स्टेट सिलेक्ट करता हूँ चंडीगढ़, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो इस कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैं इस कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरे पास पेज आया है एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर देखें तो मैंडेटरी यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं रेड कलर के स्टार, तो यही आपको फिल करना पड़ेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालना है। तो एक बार और बता देता हूँ, ये जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आधार कार्ड को अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना क्या करना है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एंटर कर रहा हूं, तो लाइन पे बने रहिए दोस्तों। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ वो यहाँ पे एंटर कर दिया है। साथ ही यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे गो का ऑप्शन मिलेगा, आपने गो पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ी सी लोडिंग होगी और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्टेट आरटीओ और यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं तो सिलेक्ट यू आर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए, इसको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था ये रेड स्टार है उसी को आप सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्टेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना स्टेट चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आरटीओ यहाँ पे चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, प्रोसीड, रीसेट एंड एग्जिट। तो ऑब्वियसली आपने प्रोसीड पे ही क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, मेरे जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ये देखिए आपका नाम, आपके फादर नेम, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो भी, आपका एड्रेस सारा यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, आपकी फोटो सिग्नेचर सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड लिंक करना है। तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिल जाएगा आधार नंबर एंट्री का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
ये देखिए मैंने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। नीचे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर दिया है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ यहाँ पे फिल हो रखा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे को एक एरर आ चुका है, प्लीज़ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो मैं यहाँ ओके करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँगा और तहसील, यहाँ पे मैं अपना तहसील सिलेक्ट करूँगा। चलिए तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे पिन कोड भी है तो मैं पिन कोड भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। चलिए तो अब करके देखते हैं कन्फर्म पे, कुछ और एरर तो नहीं आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कन्फर्म के लिया तो फिर से मेरे को ये एरर आ गया डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का। तो कहीं ना कहीं और भी मुझे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रेड रेड आप फील करिए यहाँ पे, यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे जरूर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दिया है, फिर आप एक बार करके देखते हैं, अगर होता है तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ चुका है कि आप जो ये है आपके का जो एड्रेस है वो आप ड्राइविंग लाइसेंस पे प्रिंट करना चाहते हैं, जो ये नीचे लिखा हुआ है आपने ओके कर देना है, इसको कुछ नहीं है। जैसे आप ओके करते हैं तो थोड़ी लोडिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, आपने करना है वेट। तो मैं करता हूँ वेट और आप इस वीडियो को देखते रहिए, आप इस वीडियो को बंद मत करिए। ये देखिए तो आगे प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको आ चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और आपका नाम और यहाँ पे सिलेक्टेड RTO नेम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी नहीं किया है कि आपको अपने आधार कार्ड को अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करना ही करना है, कंपलसरी नहीं है। बट अगर जब ये कंपलसरी हो जाएगा तो आप इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कर सकते हैं, या अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।